नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को सियासी दलों ने दिए सुझाव। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद पिछले 58 दिनों से हिंसा, बंद और कर्फ्यू से त्रस्त कश्मीर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मिले सियासी दलों ने पाकिस्तान और हुर्रियत समेत सभी पक्षों से बातचीत से लेकर जनमत संग्रह कराने एवं अलगाववादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जैसे सुझाव रखे। मौके पर पैलेट गन, अफसा, पीएसपी और नौजवानों के लिए रोजगार देने पर भी बात हुई। पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भाजपा, माकपा, पीडीएफ, डीपीएन, अवामी इत्तेहादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा के प्रतिनिधि मंडलों के अलावा लेह एवं कारगिल के मजहबी और सियासी संगठन के नेता भी प्रतिनिधि मंडल से मिले। हालांकि अलगाववादी संगठन हुर्रियत ने इस दल से मिलने से इनकार कर दिया। अब यह दल कश्मीर पंडितों से जम्मू में मुलाकात करेगा। मदर टेरेसा को मिली संत की उपाधि। अल्बेनिया की रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा को वेटिकन पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि दी। मदर टेरेसा के निधन के 19 साल बाद यह उपाधि दी गई। मदर टेरेसा के नाम से दो बीमारियों के चमत्कारिक ढंग से ठीक होने के बाद वेटिकन ने उन्हें संत बनाने का निर्णय लिया था। वेटिकन के सेंट पीटर स्क्वायर में आयोजित एक कार्यक्रम में लगभग 1,00,000 लोगों की मौजूदगी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को इस उपाधि से नवाजा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंची थी। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में दो राज्य स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी वहां मौजूद था। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से कही दो टूक। चीन में चल रहे G20 और ब्रिक्स के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और उनके समक्ष पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद, चीन पाक आर्थिक गलियारा, NSG में भारत का विरोध सहित कई मुद्दों को स्पष्ट रूप से उठाया। प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति से कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई राजनीतिक कारणों से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। मोदी ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा कि आप विश्व का नेतृत्व तो करना चाहते हैं, लेकिन जहां चरमपंथ का सवाल है उस पर आप कुछ नहीं कर रहे। मोदी ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र में जब हम ये मुद्दा उठाते हैं तो आप उसमें भी बाधा उठाते हैं। प्रधानमंत्री ने चीन और पाक के बीच बन रहे आर्थिक कॉरिडोर के कश्मीर क्षेत्र से गुजरने के मुद्दे पर भी चीनी राष्ट्रपति को खरी खोटी सुनाई।